इक्विटी गुरुकुल के आज के एपिसोड में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है, मेहमान नहीं कहूँगा, बेहद खास गुरु है। जी हाँ, ऐसे गुरु जिन्हें जबरदस्त अनुभव है इन्वेस्टमेंट्स का, फंड मैनेजमेंट का, 30 साल से ज़्यादा, लेकिन पढ़ाई भी ज़बरदस्त की है, IIT और IIM। अब आप ये कहेंगे कि ये तो कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त था, जहाँ एक और अच्छी पढ़ाई और दूसरी ओर एक बेहतरीन काम, और वो भी ऐसा जो देश के सबसे प्रतिष्ठित म्यूचुअल फंड के साथ किया हो। तो फिर आज जो आपको अगले आधे घंटे में सीखने को मिलेगा इस गुरुकुल में, वो बेहद लाजवाब होगा। जी हाँ, मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जाने माने एक्सपर्ट और फंड मैनेजर प्रशांत जैन साहब, जो HDFC म्यूचुअल फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CIO हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर आपका इक्विटी गुरुकुल में। इक्विटी गुरुकुल में हम ज़्यादा कुछ पूछते नहीं हैं, सिर्फ हम ये जानते हैं कि प्रशांत जी ने जो 30 साल में किया है, जो सीखा है, बस हम वो 30 मिनट में कैसे समझ पाएँ, कैसे सीख पाएँ। तो मैं आपकी यात्रा को ना दो तरीके से पूछूंगा, एक एज एन इन्वेस्टर आपने क्या सीखा है, दूसरा एज ए फंड मैनेजर आपने क्या सीखा है। तो पहला, अगर आप ये कहें कि इन्वेस्टर के तौर पर बाज़ार में आपकी सबसे बड़ी सीख, सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही कि ये 30 साल में मैंने ये बाज़ार से बड़ा चीज़ सीखा है। देखिए, बाज़ार की सबसे बड़ी सीख मेरी यही रही है कि इसमें जो सबसे अधिक पैसा बनता है जी, वो काफ़ी दिक्कत से गुजरने के बाद ही बनता है। आसान नहीं है? आसान नहीं है, एक तरह से आसान है, लेकिन उसमें हमको काफ़ी पेन सहने की क्षमता होनी चाहिए जी। क्योंकि अधिक पैसा कब बनेगा कहीं पर? जब हम कोई चीज़ बहुत सस्ती खरीदेंगे। राइट। और कोई भी चीज़ बहुत सस्ती कब मिलेगी हमको? जब उसमें कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, और कोई भी उसको खरीदना नहीं चाहता। और इसीलिए शेयर बाज़ार में पैसा बनाना आसान भी है, अगर हम पेन को सह सकते हैं और अगर हम लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं, और बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि अधिकतर लोगों के लिए वो करना आसान है जो सब लोग कर रहे हैं। राइट। और पूरे भीड़ से अलग खड़े होना, जो कोई नहीं खरीदने चाहता। मेरी रिसर्च कहे कि भाई, समझ कहे कि ये बिजनेस अच्छा है, लेकिन कोई खरीदना नहीं चाह रहा और वो शेयर घट ही रहा है, और ऐसे शेयर को लेंगे, और अगर वो हमारी रिसर्च सही है, कंपनी की समझ सही है, तो एक दिन उसमें मैंने देखा है कि बहुत अच्छा पैसा बनता है। और ऐसे में आपको अभी के बाज़ार की बात नहीं करके पहले के दो क्लियर एग्जांपल दे सकता हूँ। 1999-2000 में टेक्नोलॉजी स्टॉक, सॉफ्टवेयर कंपनीज के शेयर सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे, हर फंड में, हर रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में वो था, और इन शेयर्स को छोड़ के बाकी सभी बाज़ार इतना सस्ता था जिसको कि डिस्क्राइब करना भी मुश्किल है। उस टाइम पे आप डिविडेंड यील्ड्स कंपनीज़ में 5-10% IT छोड़ के एक आम बात थी, बुक वैल्यू से नीचे बहुत सारे शेयर मिलते थे, और जिसने वो IT छोड़ के ओल्ड इकोनॉमी में कुछ भी लिया, उसमें से 10 में से 8 शेयर मेरे हिसाब से 5 से 50 गुना हो गए अगले 5-7 सालों में। तो ये एक उदाहरण था कि जो बहुत पॉपुलर था और जिसका पास का रिटर्न बहुत ज़्यादा था, उसमें आने वाले 10 सालों में पैसा नहीं बना और बाकी सब में पैसा बना। और कुछ ऐसा ही 2007 के आसपास देखा गया, वहाँ पे पावर कंपनीज, NBFCs, रियल एस्टेट कंपनीज सबसे पॉपुलर थे। Absolutely. और सब इस पे बाय रिपोर्ट्स थे, और उस टाइम पे FMCG और फार्मा का कोई नहीं पूछता था। राइट। तो वहाँ पे पैसा खत्म हो गया, 100 रुपए का 50 हुआ या 10 रह गया, और यहाँ पे पैसा बहुत बना। लेकिन इसमें एक ही बात का, इसको बहुत से लोग कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग अपने आप में एक पूरी तरह से सही नहीं है। ज़रूरत है कि हमारे सही समझ होनी चाहिए, और अगर हमारी समझ सही है और जो हमारा कंक्लूजन है बिजनेस के बारे में, यदि वो मेजॉरिटी से अलग है, तो हम कह सकते हैं कॉन्ट्रेरियन भी है, लेकिन खुद अपने आप में कॉन्ट्रेरियन होना ही सही नहीं है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, तो फिर आप क्या देखते हैं? क्या आप कंपनी की ग्रोथ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर वैल्यू कि भाई सस्ते दाम पे मिल रही है इसलिए ले लूं, या कंपनी में ग्रोथ अच्छी होने वाली है इसलिए ले लूं?
देखिए आप कंपनी में जो सबसे पहली चीज़ देखनी चाहिए मेरे हिसाब से वो है बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी। ओके कि ये बिजनेस में इतनी क्षमता है, इतने इसमें स्ट्रेंथ है कि ये आने वाले 5, 10, 20 साल तक कम से कम खड़ा तो रहेगा। सबसे पहला तो टेस्ट ये है, अगर कोई कंपनी ये टेस्ट को पास नहीं करती तो मेरी समझ में उस शेयर में हमको किसी भी भाव पे इन्वेस्ट करने से पहले कई बार सोचना चाहिए और हो सके तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी में हमें लगता है कि इसमें क्षमता है, स्ट्रेंथ है कि ये सस्टेन करेगी, एनवायरनमेंट इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी बुरी हो सकती है, कंपटीशन बढ़ सकता है, लेकिन उसमें भी अगर ये सर्वाइव करने की क्षमता रखती है तो कम से कम ये एक इन्वेस्टेबल कंपनी है। और उसके बाद हमको एक अनुमान लगाना है कि आने वाले समय में इसमें किस प्रकार की ग्रोथ आ सकती है। और सबसे ज़रूरी बात एक अच्छे इन्वेस्टमेंट में ये होती है कि जो भी हमारा फ्यूचर का इसका असेसमेंट है उसकी तुलना में इसका आज का भाव कैसा है। देखिए 99 या 2000 में आपने अगर आपने सॉफ्टवेयर कंपनी का शेयर ख़रीदा तो आज तक 20 साल में ऐसा नहीं हुआ कि उन कंपनीज का प्रॉफिट घटा हो, उसमें लगातार ग्रोथ है लेकिन उसमें रिटर्न बहुत कम आया है, ना के बराबर आया है। क्यों? क्योंकि 99 में बाज़ार का अनुमान था, जो ग्रोथ का अनुमान था वो रियलिटी से बहुत ज़्यादा था, जो एक्चुअल ग्रोथ आई वो कम थी। तो बिजनेस के ग्रोथ में और रिटर्न में एक बहुत अच्छा तालमेल है, रिलेशन है, लेकिन अगर बाज़ार ने उस ग्रोथ को ओवर एस्टिमेट कर लिया है तो ग्रोथ के बावजूद भी आपका रिटर्न कम हो सकता है। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि बिजनेस में ग्रोथ बहुत कम है लेकिन रिटर्न आपका बहुत ज़्यादा आ सकता है, अगर बाज़ार ने जो रियल ग्रोथ थी उसकी तुलना में उसका एस्टिमेट और भी कम था। तो अच्छा शेयर महंगे भाव में खरीद लें वो चलेगा, या फिर थोड़ी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर सस्ता मिल रहा है तो ले लिया जाए, उसमें भी पैसे बन जाएंगे? इसका सही जवाब देना संभव नहीं है क्योंकि देखिए ये एक कंटिन्यूस स्केल जैसा है। तो एक अच्छे बिजनेस का जिसके ROC ज़्यादा है, जिसकी मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी है, जिसकी कंपेटिटिव एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, उसका हमको भाव ज़्यादा देना चाहिए। लेकिन कितना ज़्यादा देना चाहिए ये एक आपके एक्सपीरियंस, आपकी फील, आपकी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा लक पर भी निर्भर करता है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि कोई भी बिज़नेस जो एक सस्टेनेबल बिज़नेस है, जो सर्वाइव करेगा, जो बाज़ार में, जो इकोनॉमी में प्रॉफिट कमा सकता है, ROC कमा सकता है, ऐसे कोई भी बिज़नेस हो, चाहे वो बहुत अच्छा हो या थोड़ा कम अच्छा हो, लेकिन उसके बाद रिटर्न वो हम किस प्राइस पे ऐसे बिजनेसेस को ख़रीदते हैं उस पे ज़्यादा निर्भर करता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे पिछले 4 साल में देखा जाए तो फार्मा कंपनीज़ के शेयर 50-70% डाउन है जी। बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं, उनके शेयर भी काफ़ी डाउन है। क्यों? इनकी क्वालिटी तो वही है जो 5 साल पहले थी, लेकिन इनमें जो ग्रोथ आई वो बाज़ार जो सोच रहा था 5 साल पहले उससे काफ़ी कम आई। तो मेरे ख्याल से एक नेसेसरी कंडीशन है कि हमको अनसस्टेनेबल बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना है, और अच्छे रिटर्न कमाने के लिए अगर हम अच्छे बिजनेस का ज़्यादा दाम देंगे तो रिटर्न आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अच्छा प्रशांत, एक चीज़ और है कि जैसा आपने एज एन इन्वेस्टर तो अपनी लर्निंग्स बताई, एज ए फंड मैनेजर शायद जॉब थोड़ा और मुश्किल होगा, आसान नहीं, क्योंकि वहाँ आपको दूसरों का पैसा मैनेज करना है और जवाब भी देना है, और आजकल तो इतनी ट्रांसपेरेंसी कि हर महीने हर 3 महीने में सवाल पूछे जाते हैं। तो फिर वहाँ पर आपने ये आपका जो 29-30 साल का अनुभव है फंड मैनेजमेंट का, वहाँ क्या ऐसी खास सीख रही है? मैं तो देखिए फंड मैनेजर एक एक्सीडेंट से बना, मेरी अच्छा। कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी। मैं तो SBI में गया म्यूचुअल फंड में, तो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो उन्होंने कहा कि इस बैच में अब तुम लास्ट आए हो तो अब आप इक्विटी रिसर्च करिए, क्योंकि उस समय में 91 में आप बिलीव नहीं करेंगे इक्विटी रिसर्च में कोई प्रेफरेंस नहीं थी किसी की, लोग मर्चेंट बैंकिंग या प्रोजेक्ट अप्रेजल की ज़्यादा प्रेफरेंस थी। तो मेरे को तो क्योंकि कुछ और ऑप्शन नहीं बचा था इसलिए इक्विटी रिसर्च में भेजा गया। लेकिन आज मैं यही कहूँगा कि जो एक फंड मैनेजर का करियर है इसमें बहुत सारे लोग फंड मैनेजर बनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनको इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको सही ढंग से समझ के ही ये डिसीजन करना चाहिए। और
आज मैं देखता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में लगभग 30 साल से हूँ, तो मेरे साथ वाले जो अधिकांश लोग थे वो इस इंडस्ट्री में अब मतलब एज अ फंड मैनेजर नहीं है, रिटायर हो चुके हैं या वो अपना कुछ कर रहे हैं या, तो ये इंडस्ट्री एक क्रिकेटर या थोड़े कहें तो एक जो फिल्म एक्टर्स होते हैं इनकी जैसी है, क्योंकि इसमें जो सक्सेस रेट है ये लंबे समय तक सक्सेस बहुत कम है और इसमें फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तो बहुत सारे लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं लेकिन उसमें से सब लोग ये सोचते हैं कि मैं सचिन बन जाऊंगा, लेकिन उसके पीछे एक सचिन के पीछे 90 या 99 लोग नहीं बन पाते। तो लाइफ में करियर में अगर हमको कोई डिसीजन लेना है तो एक एवरेज आउटकम को देख के लेना चाहिए और उसको जो एक आउटलायर आउटकम है उसको देख के नहीं लेना चाहिए, तो मेरी सब यंगस्टर्स को यही राय होती है। हाँ, लेकिन अब जहाँ तक पोर्टफोलियो का सवाल है, आप क्योंकि फंड चलाते हैं, किस तरह से आप ये डिसाइड करते हैं कि अगर किसी एक शेयर को मैंने सही वक्त पर ख़रीदा है तो मैं इसे बेचूँ ना, क्योंकि कई बार पैसा जल्दी बन जाता है, ज़्यादा बन जाता है तो फिर वो ऐसा लगता है कि निकल जाए, तो ये होल्ड बाय एंड होल्ड वाली स्ट्रेटजी वो आप कैसे अपनाते हैं? नहीं देखिए, इसमें जवाब बड़ा सिंपल है, थोड़ा समझना लेकिन मुश्किल है। जो प्रतिदिन का जो डेली का जो प्राइस है उसी को हमको अपनी कॉस्ट समझना चाहिए। अच्छा, मैंने शेयर आज शेयर का भाव 100 रुपया है, या तो मैंने उसको 50 में खरीदा या 200 में खरीदा, राइट, एक में घाटा है एक में फायदा है, लेकिन जब मैं 100 रुपये पे आज होल्ड करता हूँ तो मुझे आज यही सोचना चाहिए कि मैं आज इसको 100 रुपये में खरीद रहा हूँ। अच्छा, क्यों? अगर वो 100 से 150 हो जाएगा अगर अनुमान है तो भले ही 200 में खरीदा, लेकिन अब तो हाथ में तो मेरे 100 ही रुपये है। करेक्ट, तो हर दिन का जो प्राइस है वही अपनी कॉस्ट समझनी चाहिए और वहाँ से हमको फिर अगला 2-3-5 साल सोचना चाहिए। हाँ। तो हम लोग यही करते हैं, मेरी यही कोशिश रहती है कि भाव मैंने 100 में खरीदा लेकिन 500 हो गया, लेकिन मैं फिर भी यही सोच रहा हूँ कि ये 500 में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, और 100 में खरीदा और 50 हो गया तो हमें फिर यही सोचना है कि 100 में तो गलती हुई लेकिन आज मिलेंगे तो 50, तो आज 50 रुपये से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। तो इसी प्रकार से हमको अपनी हिस्टोरिक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इस लाइन में मेरे हिसाब से वो एक खाली रिकॉर्ड है, टैक्स के लिए रेलेवेंट है, लेकिन उसका डिसीजन मेकिंग से आगे की सोच से कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। तो लेकिन फिर ऐसी सिचुएशन में क्या ये शेयर आप जल्दी बेचने का मन हो जाता है कि समझिए आपने 100 में ख़रीदा था, आज 500, और आप तो आज 500 के हिसाब से सोचेंगे ये 500 में रखूँ या ना रखूँ, और अगर आप महंगा लगे तो क्या फिर वो प्रॉफिट बुकिंग भी जल्दी हो जाती है? और इस तरह के कभी कोई ऐसे रिग्रेट्स हुए हैं आपको फंड मैनेजमेंट में या इन्वेस्टमेंट में कि ये शेयर जल्दी बेच दिया, इसे और रखना था? एक नहीं बहुत हुए एक नहीं बहुत हुए हैं। हम लोग ने मैंने FMCG कंपनीज 2008-09 में 7-8-09 में बहुत इन्वेस्ट किया था, फार्मा में भी किया था, तो और मैंने दोनों ही बेच दिए। तो फार्मा में डिसीजन सही गया लेकिन FMCG कंपनी जहाँ से मैंने बेचा था वहाँ से भी ये 2 से 3 गुनी हो गई है। तो लेकिन देखिए, ये तो हमारा सब डिसीजन सही नहीं जा सकते, तो इसीलिए हमको एक हर आदमी की सोच अलग है और हर ट्रेड के पीछे जब तक दो आदमी एकदम अलग नहीं सोचेंगे तब तक सौदा ही नहीं होगा जी। तो दो में से एक ही सही जाएगा। और लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि हमको वही सोचना है कि आज जो प्राइस है उसी को हमें कॉस्ट मानना चाहिए, क्योंकि मैं बेचूंगा तो मेरे को उतने ही पैसे मिलेंगे और उसी शेयर को मैं कहीं और लगाऊंगा। तो ऐसा भी हुआ है कि 100 का 500 हो गया और नहीं बेचा और वो अच्छा चला गया, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि बेचने के बाद शेयर और बढ़ गया। तो इसमें तो हमको ये डेली का स्ट्रगल है, क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बिज़नेस में क्या पोटेंशियल ग्रोथ है। और लेकिन ये भी देखा गया है कभी कभी बाज़ार में जो पी मल्टीपल्स हैं ये काफ़ी चेंज हो जाते हैं जी, और उसका अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है कि बाज़ार एक कलेक्टिव तरीके से सामूहिक रूप से क्या सोचेगा, 100 इन्वेस्टर आके इस बिज़नेस को कैसे वैल्यू करेंगे, इसको कहना भी मुश्किल है। यूटिलिटी कंपनीज हैं, आज से 10 साल पहले लोग 3 से 4 टाइम प्राइस टू बुक पे खरीदते थे और आज एक टाइम में लोग उससे को पसंद नहीं है। FMCG कंपनी 10 साल पहले 15 PE में मिलती थी, 20 में, आज 60 से 100 का PE है।
तो ये बाज़ार में हम हमेशा अनसर्टेनिटी से भी डील कर रहे हैं और इसीलिए इसमें एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे पाना बहुत मुश्किल है। जैसा आपने कहा कि सबसे पहले शेयर खरीदने के पहले मैं ये देखता हूँ कि ये बिजनेस 10-15-20 साल चलेगा कि नहीं, तो बिजनेस आपने देख लिया, लेकिन बिजनेस के अलावा किसी शेयर को खरीदने के पहले उस कंपनी में आप क्या क्या खास चीज़ें देखते हैं? देखिए, मेन चीज़ तो हम लोग यही देखते हैं कि वो बिजनेस की क्वालिटी क्या है, बिजनेस मतलब? बिजनेस की खुद की स्ट्रेंथ। अच्छा, बिजनेस की स्ट्रेंथ, बिजनेस की स्ट्रेंथ और उसकी जो मैनेजमेंट है उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी कैसी रेपुटेशन है, उनके यहाँ फेयर ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है कि नहीं है। तो ये एक मैं कहता हूँ एक तरह से हाइजीन फैक्टर हो जाते हैं कि एक बेसिक कंडीशन है। अगर एक बिजनेस को हम कहते हैं कि एक ऐसा बिजनेस है जो सस्टेन कर सकता है कंपेरेटिव मार्केट प्लेस में और उसके मैनेजमेंट की क्वालिटी एक बेसिक मिनिमम से ऊपर है तो हम कहते हैं ये बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमको यही अनुमान लगाना है कि इस बिजनेस में आने वाले समय में इसके फ्यूचर ग्रोथ के बारे में हमारी क्या समझ है और उस ग्रोथ के रिलेशन में जो आज इसका प्राइस है वो कैसा है। अच्छा, डिसीजन तो आपको बेचने के भी लेने होते होंगे, एक तो हमारे जैसे इन्वेस्टर जो ज़बरदस्ती आपको डिसाइड करवाते होंगे कि रिडम्पशन कर रहे हैं अगर तो फंड में से आपको कुछ ना कुछ तो बेचना होगा, लेकिन आपको अपना कॉल लेना है कि ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में नहीं रहेगा, उसके पीछे क्या वजह होती है? देखिए, इसके पीछे चार कारण होते हैं आमतौर पर। एक तो ये है कि जो मेरा टारगेट प्राइस था वो हमें लगा कि अब ये भाव ऐसा आ गया है कि जो मेरी बिजनेस की समझ है इसमें अब ज़्यादा रिटर्न की गुंजाइश नहीं बची तो हम उसको बेच देंगे। दूसरा ये होता है कि कुछ माहौल में एनवायरनमेंट में ऐसा चेंज आ गया जिससे उस बिज़नेस का फ्यूचर आउटलुक चेंज हो गया कि जैसे किसी की कमोडिटी के दाम बहुत घट गए या कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई या लोगों की हैबिट्स चेंज हो रही हैं। जैसे प्रिंट मीडिया से लोग कहते हैं ग्लोबली आप देखिए तो रीडरशिप कम हुई है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है बिज़नेस के फ्यूचर ग्रोथ के बारे में। तो कहीं एडवर्स डेवलपमेंट है तो आप चेंज कर सकते हैं, या हमें लगता है कि हमारी समझ गलत थी, जो हमने पहले रिसर्च की थी वो पूरी नहीं थी, उसमें कुछ कमी रह गई और जैसे हम ऑनगोइंग स्टडी करते रहते हैं तो मालूम पड़ा कि इसमें हमने ये चीज़ मिस कर गए और हमें समझ आया कि हमारा व्यू गलत था, तो हम उसको मिस्टेक को करेक्ट करेंगे भले ही हमको उसमें लॉस हो, इसको स्टॉप लॉस भी कहते हैं। और फोर्थ ये है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ लेकिन हमें कोई एक ऐसा शेयर दिखाई दिया जो कि हमें लगता उसमें इससे काफ़ी ज़्यादा रिटर्न आने की संभावना है तो हम इसमें थोड़ा एक्सपोजर कम करके उसमें भी स्विच कर सकते हैं। और एक फिफ्थ कंडीशन ये भी है कि हमने पोर्टफोलियो में कोई शेयर 3% लिया था वो बहुत अच्छा किया तो 8% हो गया या 6 हो गया तो हम कहेंगे अब हमको इसमें थोड़ा रिस्क भी पोर्टफोलियो में मेरे को 8% में रिस्क ज़्यादा लगता है तो उसको हम रिस्क मैनेज करने के लिए भी उसमें एक्सपोजर कम कर सकते हैं। अच्छा, जो शो देख रहे हैं और आई एम श्योर कि हजारों लाखों ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जो आपके फंड में पैसा लगा कर बैठे हों या फिर जो लगाना चाहते हैं, उन्हें क्या सीखना चाहिए, उन्हें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये मैं आपके अनुभव से जानना चाहता हूँ। देखिए, शेयर बाज़ार एक ऐसी चीज़ है जिसको कि देख के बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं और सबको लगता है कि इसमें पैसा बनाना बहुत आसान है क्योंकि सब लोग हिस्टोरिक देखते हैं कि ये 100 का शेयर था अब 200 हो गया और तो इसलिए बहुत सारे लोग इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में काफ़ी रुचि रखते हैं। लेकिन मेरी सबसे बड़ी समझ ये है शेयर बाज़ार की कि जब तक हमको इसकी वाकई में सही समझ नहीं है तब तक हमको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहिए और हमको F&O या बोरो करके पैसा शेयर बाज़ार में कभी भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो एक प्रकार से स्पेकुलेशन है और उसमें बहुत लॉस आने की संभावना है। देखिए, शेयर बाज़ार एक बहुत अच्छी, देखिए वॉरेन बफेट ने कहा है कि आपको अपने जीवन में इनकम के 2 सोर्स रखने चाहिए, एक तो जो आप काम करते हैं नौकरी है या बिजनेस है और दूसरा इन्वेस्टमेंट्स। तो मेरे ख्याल से कोई भी आदमी अगर थोड़ी ठीक से इन्वेस्ट करके सेविंग और इन्वेस्ट करते हैं तो ओवर टाइम एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन और रिटर्न्स हमारा बनता है। और इसके बारे में मेरी लोगों को एक ही राय है कि जो भी उनकी वेल्थ है, जो भी उनकी सेविंग है, उसके 2 हिस्से करिए। अच्छा, हाँ, एक हिस्सा है
वो जिस पे हम कहते हैं कि ये पैसे मेरे को 5 से 10 साल के लिए नहीं चाहिए, ठीक है, और इस पैसे पे अगर 5, 10, 15, 20% घट भी गया टेम्परेरी तो मैं रात को आराम से सो सकता हूँ, ठीक है, इतने टेम्परेरी लॉस को मैं इमोशनली फाइनेंशियली बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वो हिस्सा हमारी सेविंग या वेल्थ का रिस्क कैपिटल है और उसको हमको 2, 3, 4 अच्छे डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप या लार्ज कैप फंड्स पे इन्वेस्ट करके पेशेंट रहना है। एक बार आपने एसेट एलोकेशन कर लिया, 3 फंड्स चूज कर लिए, फिर इसमें पेशेंस की जरूरत है और आप जितने लंबे समय तक फंड्स होल्ड करेंगे उतना इसमें कंपाउंडिंग आएगी। और जो दूसरा हिस्सा है जिसको हम कहते हैं कि इस पर मैं रिस्क नहीं ले सकता या मेरे को इस पैसे की जरूरत पड़ सकती है, वो पैसा हमको फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करना चाहिए। फिक्स इनकम में बैंक्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हमको प्रॉमिस्ड रिटर्न मिलता है, उसमें कोई रिस्क नहीं है। और हम फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड भी देख सकते हैं, उसमें बैंक डिपॉजिट्स के मुताबिक रिस्क ज़्यादा है लेकिन उसमें टैक्स ब्रेक्स की वजह से कभी कभी थोड़ा रिटर्न भी ज़्यादा आता है और उसमें लिक्विडिटी हमारी बहुत ज़्यादा रहती है। तो मुझे लगता है इस प्रकार से अगर हम ये अपनी रिस्क कैपिटल और सेफ कैपिटल का सही अनुमान लगा के उसको इन्वेस्ट करें तो मेरे ख्याल से एक 10, 20, 30 साल के ऊपर जो इक्विटीज़ में कंपाउंडिंग है उससे आपके फंड का रिटर्न दूसरे फंड से 2% कम भी रह गया कोई बात नहीं, लेकिन वो फिक्स इनकम से 4-6% ज़्यादा ही बेहतर। तो उससे अगर आप 4-6% एक्स्ट्रा कमाते हैं और जब तक आप बेचेंगे नहीं तब तक वो टैक्स भी नहीं देना है, राइट, तो आप टैक्स फ्री कंपाउंडिंग 20-30 साल करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें छोटी छोटी सेविंग्स भी ओवर लॉन्ग पीरियड्स एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट से पैसा बनाने का सीधा तरीका ये कि पहली चीज़ तो अगर आपको समझ में आए तो आप करें, ना समझ में आए तो बेहतर है म्यूचुअल फंड्स। और दूसरा ये कि डरे ना, घबराए ना, ऊपर नीचे तो होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में 10, 20 और 30 साल का व्यू लेकर चलेंगे तो आप पैसा बनाएंगे। जो कुछ सीखा हमने प्रशांत जी से वो ये है कि इक्विटी मार्केट में कभी भी रिटर्न्स आपको सीधे नहीं मिलेंगे, उतार चढ़ाव होगा, लेकिन अगर वाकई में वेल्थ बनानी है तो इससे बढ़िया जगह हो नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शक आपके 30 सालों के इस फंड मैनेजमेंट के अनुभव से आज बड़े लाभान्वित होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो आज की इक्विटी गुरुकुल में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार, आइए अब सुन लेते हैं कि निवेशकों को निवेश करते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और किन से बचना चाहिए। क्या करें, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जानकारी जरूर हासिल करें। शेयर बाजार में निवेश पर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। शेयर खरीदने से पहले अपने पास मौजूद फंड को जरूर देखें। क्या ना करें, शेयर ट्रेडिंग में निवेश के जोखिम को जरूर ध्यान में रखें, किसी की ओर से हाई रिटर्न के झांसे में नहीं आए। पोस्ट डेट चेक के जरिए गारंटेड रीपेमेंट आश्वासनों से बचें।